हेलो जी, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूं टॉप 10 कंट्रीज़ दैट एक्सट्रीमली लव पाकिस्तान। ये टाइटल है वीडियो का और देखेंगे कौन सी टॉप 10 कंट्रीज़ हैं एंड इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी सदियों सदियों मतलब जन्मों जन्मों का नाता है इस दुश्मनी का। लेकिन हाँ, बहुत सारे देश हैं, आपको लगता होगा कि इंडिया से भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो दुश्मनी रखते होंगे या फिर नापसंद करते होंगे सिवाय पाकिस्तान के, मतलब उसके अलावा। तो ऐसा पाकिस्तान के लिए भी आप कह सकते हैं कि इंडिया से अगर दुश्मनी है तो दूसरे मुल्क जो हैं, दूसरे देश जो हैं वो भी, वो बहुत सारे ऐसे देश हों जो पाकिस्तान से प्यार करते हों। एंड देखेंगे इस वीडियो के अंदर, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। उर्दू टाइमलाइन के तमाम देखने और सुनने वालों को हफीज़ुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको उन ममालिक के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इन ममालिक में मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक शामिल है, जबकि सुनकर आप हैरान होंगे कुछ गैर मुस्लिम ममालिक ऐसे भी हैं जो जंग की सूरत में पाकिस्तान का साथ देंगे और पाकिस्तान पर हमला खुद पर हमला तसव्वुर करेंगे। नाजरीन, इससे पहले वीडियो में हमने उन ममालिक की बात की जो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं, जिनमें गैर मुस्लिम ममालिक के साथ बदकिस्मती से इस्लामी ममालिक भी शामिल है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मगर आज हम बात करेंगे मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक की, जहाँ हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान को इंतहाई इज्जत और अकीदत की निगाह से देखा जाता है। नजरीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके दुश्मन शुरू से ही इसे खत्म करने में लग गए, मगर अल्लाह ताला ने इस पाक सरजमीन की हमेशा हिफाजत और मदद की। क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर रखी गई, इसलिए ये मुल्क भी रहती दुनिया तक कायम रहेगा। नजरीन, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ममालिक की लिस्ट में सबसे पहले श्रीलंका है। श्रीलंका में हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत की जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दहशत गर्दी का खात्मा है, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका की हर मुमकिन मदद की और वहां मौजूद खतरनाक दहशत गर्द बागियों का खात्मा किया। नजरीन, थामल टाइगर जो श्रीलंका के 40% हिस्से पर काबिज हो चुके थे, सालों से जारी इस जंग में श्रीलंका को बेहद माली व जानी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार जनरल मुशरफ के दौर में श्रीलंका ने पाकिस्तान से मदद तलब की, जिसके बाद पाकिस्तान ने बराह रास्त इस जंग में श्रीलंका को खुलकर सपोर्ट किया। नजरीन, थामल टाइगर्स एक खतरनाक दहशतगर्द तंजीम थी जिनके पास सैकड़ों खुदकुश हमला और थे। इस जंग में पाकिस्तान ने श्रीलंका को जदीद हथियार, मिसाइल्स और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम किए, जिसकी बदौलत थामल टाइगर्स का सरगना पहाबरा करण एक झड़प में हलाक हुआ। पाकिस्तान ही की मदद से इनकी टॉप लीडरशिप को श्रीलंकन फौज ने खत्म किया और यूं श्रीलंका में अमन की फिजा पाकिस्तान ही की वजह से कायम हुई। यही वजह है कि आज श्रीलंका पाकिस्तान का मजबूत इत्तेहादी है और यहाँ के अवाम पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। नजरीन, दूसरे नंबर पर तुर्की इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने हर आफत हर मुसीबत में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का साथ दिया। पाकिस्तान के अंदर जलजिला हो या सैलाब, तुर्की ने हमेशा मदद में पहल की। नजरीन, सन 2005 में पाकिस्तान में आने वाला जलजिला जिसमें हजारों अफराद लुकमे अजल बन गए, तुर्की दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाया। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम है। हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत की जाती है, जबकि तुर्की पाकिस्तान को अपना दाया बाजू समझते हैं। नजरीन, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, ये पाकिस्तान का बहुत ही पुराना इतिहादी है जिसने जंग और अमन के दिनों में हर वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब ने सन 65-71 और कारगिल जंग में पाकिस्तान को खुफिया तौर पर माली मदद फराहम की, जबकि कसीर तादाद में मुफ्त तेल भी पाकिस्तान को कई महीनों तक फराहम की। मोहम्मद बिन सलमान की दौरी हुकूमत में अगरचे ये ताल्लुकात कुछ मजीद बेहतर ना हो सके, मगर बावजूद इसके सऊदी अरब और पाकिस्तान के मरासिम इंतहाई मजबूत हैं। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां लाखों पाकिस्तानी बेहतरीन मुस्तकबिल की तलाश में सऊदी अरब का रुख करते हैं। नजरीन, चौथे नंबर पर मुतहिदा अरब अमारात, जिनके पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात हैं। मुतहिदा अरब अमारात ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की मदद की, खास तौर पर पाकिस्तान में तवानाई के बुहरान पर काबू पाने के लिए माली मदद और मशीनरी फराहम की। इसके अलावा शमसी एयरबेस और कई दूसरे मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान और मुतहिदा अरब अमारात की दोस्ती की बेहतरीन मिसालें हैं। नजरीन, पांचवें नंबर पर रूस, जो माजी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने गर्म पानियों तक रसाई के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया। रूस का अगला हदफ
पाकिस्तान था, मगर पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन को जबरदस्त मदद फराहम की, जिसके बाद सोवियत यूनियन टुकड़ों में तकसीम हुआ। मगर आज हालात माजी से काफी मुख्तलिफ है। रूस को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका तब मिला जब अमरीका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। रूस चूंकि पहले से अमरीका का बदतरीन दुश्मन था, इसलिए रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए। चूंकि रूस के लिए पाकिस्तान इंतहाई अहमियत रखता है, इसलिए रूस ने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की बजाय दोस्ती की। आज रूस पाकिस्तान का मजबूत इत्तेहादी है और दोनों ममालिक के दरमियान कई दिफाई मुआहदे भी हो चुके हैं। खास तौर पर इमरान खान की दौरी हुकूमत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई, मगर अमरीका को ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान पर इम्पोर्टेड कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी। नजरीन, रूस पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है, मगर कुछ गद्दार रूस पाकिस्तान की बेहतरीन ताल्लुकात की राह में रुकावट हैं। इसके अलावा जर्मनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी काफी अच्छे हैं। जर्मनी वो वाहिद गैर इस्लामी मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में मदद की। दोस्तों, इसके अलावा छोटा सा इस्लामी मुल्क अजरबैजान, जहाँ हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत की जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अजरबैजान की वजह से आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, जबकि अजरबैजान और आर्मीनिया जंग में पाकिस्तान और तुर्की ने अजरबैजान की मदद की, जिसकी वजह से अजरबैजान ने आर्मीनिया को धुआंधार शिकस्त दी। यही वजह है कि अजरबैजान का बच्चा, बूढ़ा और जवान पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत रखते हैं और पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम हैं। नजरीन, इसके बाद मलेशिया में भी हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान से मोहब्बत की जाती है। इन दोनों ममालिक की भी आपस में बेहतरीन ताल्लुकात कायम है। नजरीन, इसके बाद गैर मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इतिहादी चीन, जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन ने न सिर्फ दिफाई मैदान में बल्कि तालीम, सेहत, तवानाई और कई शोबों में पाकिस्तान की मदद की, जबकि भारत के साथ कशीदगी में चीन का किरदार इंतहाई नुमाया है। नजरीन, दुनिया का दूसरा सुपर पावर चीन, जहां हुकूमती और अवामी सतह पर पाकिस्तान को इंतहाई एहतराम और अकीदत की निगाह से देखा जाता है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा मिस्र, जहां पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इंतहाई इज्जत की जाती है। एक तो इस रिश्ते की सबसे बड़ी वजह इस्लाम है, जहाँ दोनों ममालिक में 97% मुस्लिम आबाद है। दूसरी सबसे अहम वजह अरब इसराइल जंग है, जब पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर इसराइल के खिलाफ मिस्र को फिजाई और फौजी मदद फराहम की। अरब इसराइल जंग के साथ पाकिस्तान का बराह रास्त कोई वास्ता नहीं था, मगर फिर भी पाकिस्तान अरब दुनिया की मदद के लिए मैदान जंग में उतरा, जहां पाकिस्तान के हवाबाजों ने इसराइल के दांत खट्टे किए। पाकिस्तानी हवाबाज सैफुल आजम, जिसने अरब इसराइल जंग में इसराइली तैयारे मार गिराए और इसराइल की फिजाया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि मिस्री अवाम पाकिस्तान को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखते हैं और पाकिस्तान को अपना दाया बाजू समझते हैं। नजरीन, मिस्र के सदर अनवर सदात हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सिर्फ एक बॉर्डर हायल है और ये बॉर्डर, ये दूरियां मिस्र को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। इसके अलावा लीबिया में जब कर्नल कज़ाफी की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान को इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता था। आज भी लीबिया के अवाम पाकिस्तान से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम लीबिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतरीन दोस्ती की मिसाल है, जबकि कर्नल कज़ाफी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में भी काफी मदद की। नजरीन, इसके अलावा हुकूमती सतह पर इराक और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं, अलबत्ता दोनों मुल्क के अवाम एक दूसरे से इंतहाई मोहब्बत करते हैं। वो कंट्रीज जो पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्यार करती हैं, या फिर उनके लिए मतलब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की और भी कई सारी कंट्रीज़ की एंड आप कह सकते हैं कि चाइना तो सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान से दोस्ती रखने में, पाकिस्तान से दोस्ती निभाने में सबसे बड़ा नाम आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, बच्चा जानता है, मतलब आपने कहीं ऐसे सुन ही लिया होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे सुन ही लिया है कि यार चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ज़्यादा है। तो ये थी वो कंट्रीज़, चाहे वो श्रीलंका हो, सऊदी अरेबिया हो, रशिया हो, जर्मनी है, तुर्की है, अजरबैजान और कई कंट्रीज़ हैं जो मिलकर पाकिस्तान से दोस्ती रखती हैं अभी करेंटली, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी दोस्ती है कि एक दूसरे को कुछ भी मतलब हेल्प प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भी बताए इन्होंने। लाहौर में एक स्टेडियम है, लड़ाकू जो विमान होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं,
उसका बेस बनाना एक कंट्री के साथ मिलकर, उन दोनों की दोस्ती की मिसाल जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। ऐसे करकर दो दो कंट्रीज़ की मिसालें भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो बहुत सारी ये ऐसी कंट्रीज़ थी जो प्यार करती हैं, आपस में मोहब्बत करती हैं। ईरान, लास्ट में इन्होंने ईरान की बताया या इराक की बताया था कि ताल्लुक अच्छे नहीं है लेकिन पब्लिक आपस में बहुत प्यार करती है। तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं एंड कहीं कई ताल्लुकात ख़राब होते रहते हैं, कुछ चीज़ें आती रहती हैं, कुछ मसले आते रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों से ऐसी दोस्ती होती है कि मसले ख़राब होते ही नहीं हैं, जैसा कि चाइना पाकिस्तान और श्रीलंका पाकिस्तान, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ रहते हैं हर किसी कंट्री के साथ जिससे ताल्लुक ख़राब नहीं होते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, डेवलपमेंट एक दूसरे का करते रहते हैं, एक दूसरे को कर्ज भी देते लेते रहते हैं, तो वो सब कुछ चलता रहता है, बिजनेस चलता रहता है। तो ये एक डेवलपमेंट का एक हिस्सा भी है। दोस्ती यारी ज़रूरी है, दुश्मनी अगर हो जाए तो दुश्मनी तो दुश्मनी होती है, लेकिन दोस्ती अगर हो जाए तो वो आपको तरक्की में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको इनमें से कौन सी कंट्रीज से ज़्यादा प्यार है, तुर्की, श्रीलंका, रशिया, जर्मनी वगैरह, जिससे भी आपको ज़्यादा प्यार है वो आप कमेंट सेक्शन में आपके जो चाहते हों, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।